के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। एक बार बंदर के हाथ में रत्नों की पोटली हाथ लग गई। वह पोटली बड़ी लोहावनी थी। उस लाल लाल पोटली को देख करके उसने समझा यह कोई खाने की वस्तु है और उसने पोटली को लेकर के उसमें से एक एक पत्थर को निकाला। ये सोच करके हो सकता ये कोई खाने की चीज है। जैसे ही उसने पोटली में से एक पत्थर निकाला, मुंह में डाला, चबाया, उसको नहीं टूटा, थोप करके उसने बाहर नीचे फेंक दिया। दूसरा पत्थर निकाला, खाया, मुंह में डाला, कुछ नहीं समझ में आया, नीचे फेंक दिया। ऐसे करते 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 उसने ना जाने सारे पत्थरों को मुंह में डाला, थूका, नीचे गिरा दिया। हो सकता हमारे तुम्हारे जीवन के साथ भी यही हाल ना हो। इन पत्थरों को, बंदर के इस व्यवहार को देख करके लगा इस बंदर ने मेरा अनादर किया। वो पत्थर नहीं थे, वो साधारण पत्थर नहीं थे, वो असाधारण पत्थर थे, यानी रत्न थे। रत्न जिन बेस कीमती रत्नों को तुम बड़े इंतजाम से तिजोरी में रखते हो, वो उन रत्नों की पोटली थी। पर बंदर तो बंदर था, उसे क्या मालूम, क्या पता कि रत्न है कि पत्थर है, कि खाने की चीज है कि फेंकने की चीज है, इंतजाम से रखने की चीज है कि बाहर खुले में डालने की चीज है। हो सकता आपके हाथ में वो पोटली लगती और आप भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो, तो हो सकता कंकड़ पत्थर समझ करके हम उनको फेंक सकते हैं, फेंक देते भी हैं। पर इस व्यवहार के, बंदर के इस व्यवहार को देख करके उन रत्नों के अंदर क्षोभ प्रकट हुआ। इस बंदर ने मेरा अनादर किया, रत्नों को अच्छा नहीं लगा। रत्नों की बात को सुनकर के धरती ने संबोधित करते हुए कहा कि देखो, तुम्हें पता नहीं, बंदर को तुम्हारा मूल्य नहीं पता है, बंदर को तुम्हारी कीमत नहीं पता है। तुम्हारे साथ अनादर नहीं किया क्योंकि उसको पता होता कि रत्न है। बात समझ में आई? यही स्थिति हम सबके जीवन के साथ में है। संत कहते हैं तुम्हें तुम्हारा जीवन, बहुमूल्य जीवन मिला है। इस बहुमूल्य जीवन को पाकर के तुमने यदि बंदर की तरह कार्य किया तो दोबारा तुम्हें जीवन मिलने वाला नहीं है। बंदर ने तो अज्ञानतापूर्ण उसने कार्य किया, लेकिन हम तो सब ज्ञानी है कि नहीं, बोलो। आप लोग ज्ञानी हो ना, जोर से बोलो। सभी से पूछ रहा हूं, आप लोग ज्ञानी हो ना, आप लोग ज्ञानी हो ना। हाँ, जब ज्ञानी हो ना तो अज्ञानता के कार्य छोड़ दो। जब कोई अच्छा कार्य होता है तो मैंने किया, कोई बुरा हो जाता तो मैंने नहीं किया, इतने तो ज्ञानी हैं। तो यही स्थिति हमारे जीवन के साथ में है कि हमारा जीवन किसी रत्न की पोटली की से कम नहीं है। हमारा जीवन बहुमूल्य जीवन है। इस जीवन की जो पहचान कर लेता है वो रत्न की तरह अपने जीवन की हिफाजत करता है। इसकी पहचान किसको होती है? जौहरी को होती है। रत्नों की पहचान किसको होती है?
जौहरी को होता है। और कसौटी पर किसको कसा जाता है, किसनु किसको कसा जाता है, हीरे को कसा जाता है, सोने को कसा जाता है, लोहा को कसा जाता क्या नहीं। लोहे की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन हीरे की वह कीमत होती है जो संसार में किसी की नहीं होती है। जीवन की मूल और महत्व को समझे, जीवन के मूल और महत्व को जाने बिना हम रत्नों की कीमत नहीं परख पाएंगे। जिस प्रकार से हम रत्नों की कीमत नहीं समझ पाते हैं, शायद वैसे ही हम अपने बहुमूल्य जीवन की कीमत भी नहीं समझ पा रहे हैं। संत कहते हैं, तुम्हें जीवन रत्नों की तरह मिला है। रत्न की तो फिर भी कीमत हो सकती है, पर जीवन तो इससे भी अनमोल है, अमूल्य है। इस जीवन को पाकर के हम सिद्धत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं, और इस नर जीवन को पाकर के नारकी का जीवन भी पा सकते हैं। रत्नों का तो हम ख्याल रखते हैं, कैसे संभाल करके रखना है, कहाँ रखना है, कोई देख ना ले। एक दिन मैंने कहा था, एक कुमार था, कुमार को मिट्टी ज्यादा चाहिए थी। एक दिन सुबह सुबह खदान पर चला गया, खदान पर गया तो मिट्टी खोदी, मिट्टी को खोदते खोदते बीच में उसको एक चमकीला पत्थर मिला। उसने सोचा, ये तो बड़ा अच्छा चमकीला पत्थर है, क्या करूं इसको। उसने अपने गधे के गले में लटका दिया, बांध दिया। रास्ते में चलते चलते उसको राहगीर मिला, उसने पूछा कि भाई ये पत्थर आप बेचना चाहते हो, गले गधे के गले में शोभा नहीं दे रहा है, आप यदि बेचना चाहे तो बेचते हो। बोले हाँ बेचते, कितने में दोगे। बोले 100 रुपए में दूंगा। नहीं 50 में दे दो, 50 में दे दो, जा 50 में नहीं मिलेगा। आगे बढ़ा, थोड़ी दूर आगे चल करके एक दूसरा राहगीर मिला, वो जौहरी था। उसने दूर से ही परख लिया, शायद लगता है गधे का मालिक मूर्ख है, क्योंकि इतना बेस कीमती पत्थर जब गधे के गले में लटका करके चल रहा है, तो मतलब इसको इस रत्न की कीमत पता नहीं है। तो उसने पूछा, क्यों भाई ये पत्थर बेचना चाहते हो, हाँ बेचने, कितने का लोगे। बोले 1000 रुपए लो। उसने 1000 रुपए दिए और पत्थर लेकर के चलते बना। थोड़ी देर बाद पहला व्यक्ति आया, क्यों भाई पत्थर कहाँ है, पत्थर बेच दिया, हाँ बेच दिया, कितने के बेचे। बोले 1000 रुपए का। अरे तू मूर्ख है, वास्तव में सच में मूर्ख है, करोड़ों की कीमत वाला पत्थर तूने 1000 में बेच दिया। तो गधे वाला कहता, मूर्ख मैं हूं कि तू, तुम्हें 100 रुपए में, 100 रुपए की चीज तुम्हें महंगी लग रही थी, अब कह रहा करोड़ों की है, तो मूर्ख कौन हुआ। मूर्ख हम सब हैं, क्योंकि मुझे नर रत्न की कीमत पता नहीं है। इस बहुमूल्य जीवन को पाकर के हम विषयों में गमा रहे हैं। जिस दिन तुम्हें रत्नों की कीमत जैसा इस जीवन की कीमत समझ में आ जाएगी, उस दिन तुम क्या करोगे, इस शरीर के साथ में धर्म ध्यान को करेंगे। जीवन का उद्धार करने के लिए हम उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, जिस मार्ग पर हमारे महापुरुषों ने आगे बढ़कर के जीवन का उत्थान और कल्याण किया, अपने मार्ग को प्रशस्त किया। स्वयं के मार्ग को तो उसने प्रशस्त नहीं किया उन्होंने, अपितु उनके मार्ग पर चलने से हम सब का जीवन भी प्रशस्त हो रहा है। तुम्हें तय करना है कि हमारे जीवन की एक एक सांसें उन रत्नों से कम नहीं है, जिनको हम यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, जिनको हम यूं ही खपा रहे हैं। रत्नों की तुम्हें जब कीमत समझ में आती, जब तुम्हारे हाथ से चला जाता है, और जिस दिन तुम्हारी सांसें अंत हो जाएंगी, उस दिन तुम्हें जीवन का मूल और महत्व समझ में आएगा। आज हमें बात ई की करना है, कल आ की बात की थी, आज ई की बात करना है। ई से ईर्षा भी होती है और ई से ईश्वर भी बनता है। ई से ईर्षा और ई से ईश्वर, ईश्वर सभी समझते हैं, कौन ईश्वर बनता है, कौन ईर्षा वाला बनता है, सब दोनों शब्दों से परिचित हैं, कोई नई बात नहीं है। पर बात समझने की है, यदि हमारे जीवन में ईर्षा पल रही है तो हम ईश्वरत्व को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। यदि ईश्वर बनना है
तो हमें अपने जीवन से ईर्ष्या को निकालना होगा, तभी तुम ईश्वर बन पाओगे। बात समझ में आ रही है? कितने लोग हैं जो ईर्ष्या को नहीं जानते हैं, कितने लोग हैं जो अहंकार को नहीं जानते हैं, कितने लोग हैं जो ईगो को नहीं पहचानते हैं, कितने लोग हैं जो घमंड को नहीं जानते हैं। सब लोग जानते हैं, ईर्ष्या को भी जानते हैं। क्या पढ़ते मेरी भावना में? बोलो बोलो, ईर्ष्या के लिए कौन सी पंक्ति आती है? देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरो। ये पढ़ते ना रोज? किस लिए पढ़ते हैं? कि हमारे अंदर, हमारे भीतर वो भाव जन्म लें जिन भावों से हम ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। उन भावों को हम अपने अंदर उत्पन्न करें जिन भावों से हम नर से नारायण बन सकते हैं। उन भावों को अपने अंदर विकसित करें जिन भावों से कंकड़ से शंकर बनने की प्रक्रिया हम सीख सकते हैं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत व्यवहार करूं, ओ बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। सरलता कब आएगी? जब तुम्हारे अंदर का ईर्ष्या दूर होगी, जब तुम्हारे अंदर की ईर्ष्या समाप्त होगी, जब तुम्हारे अंदर की कसाएं जब समाप्त होगी, तब हमारे अंदर सरल और सरलता का व्यवहार उत्पन्न हो पाएगा। संसार का प्रत्येक प्राणी ईर्ष्या के साथ जी रहा है। छोटा सा भी बच्चा है, वो भी दूसरों को देख करके, दूसरों की व्यवस्थाओं को देख करके, दूसरों की अवस्था को देख करके ईर्ष्या करने लगता है। हमारा मित्र साइकिल चलाता है, अपने पापा से कहता है मुझे पापा जी साइकिल चाहिए, क्योंकि हमारा मित्र साइकिल चलाता, मुझे अच्छा नहीं लगता उसको देख करके। छोटे से बच्चे में ईर्ष्या कहाँ से आई? कहाँ से उसके अंदर जलन आई? कहाँ से उसके अंदर कुड़न आई? क्यों? देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव रहे। ये लाइन तो बड़े हम उत्साह और उमंग के साथ पढ़ लेते हैं हर रोज मेरी भावना में। कभी तुम्हारे अंदर वैसे भाव आए कि दूसरों की प्रोग्रेस को देख करके, दूसरों की ग्रोथ को देख करके हम अपने अंदर समता का भाव रखें। आप व्यापारी हो, दूसरों के व्यापार को देख करके हम अपने व्यापार में ईर्ष्या करते हैं कि हमसे कल तक कमतर रहने वाला व्यक्ति आज कितनी जल्दी ग्रोथ पैदा कर ली, कितनी जल्दी प्रोग्रेस कर ली, आज कितना ज्यादा उनका व्यापार बढ़ गया। तो आपको किसने रोका कि आप अपना व्यापार नहीं करो? आप भी तो वही व्यापार कर रहे हो, पड़ोसी भी वही व्यापार कर रहा है, पर हमारे अंदर ईर्ष्या कितने जन्म दिया? आपके अंदर ईर्ष्या को किसने पैदा किया? खुद ने ही अपने अंदर ईर्ष्या के भाव को लाए और दूसरों की बढ़ती को देख करके जलना, घुटना और कुड़न आपके अंदर उत्पन्न हो गया। ध्यान रखना, जब जब तुम्हारे अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो, जब जब दूसरों को तुम्हारे व्यापार को देख करके ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो, समझ लेना कि हमारे अंदर कोई ना कोई गुण प्रकट अवश्य हो रहा होगा। तुम्हारे गुणों को देख करके दूसरा ईर्ष्या का भाव उत्पन्न करे, समझ लेना कि हमारे अंदर एक सद्गुण की वृद्धि हुई है। वो सद्गुण की वृद्धि दूसरों को ईर्ष्या को उत्पन्न करने के लिए नहीं, दूसरों को समृद्धशाली बनाने के लिए बनना चाहिए। आज के संदर्भ में चार शब्द, ईर्ष्या का लक्षण क्या है, ईर्ष्या का कारण क्या है, ईर्ष्या का परिणाम क्या होता है, और ईर्ष्या का निदान यानी उसका निरोध हम कैसे कर सकते हैं। ईर्ष्या का लक्षण, किसी व्यक्ति से कहो कि आप बड़े ईर्ष्यालु हो, सामने वाला क्रोधित हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। पता है हमें कि उसके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, तब भी आप उससे ईर्ष्यालु कहोगे तो वो लड़ेगा, झगड़ेगा और आपसे सही व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए हमें किसी को भी ईर्ष्यालु नहीं कहना है, उसको तो हमें देवता कहना है। देवता भले उसके अंदर ईर्ष्या भरी हो, यदि देवत्व के गुण यदि उसके अंदर ना भी हो और यदि आपने देवता कह दिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला है क्या? बोलो, किसी से सज्जन बोल दो तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला है? किसी से महान बोल दो, किसी से सज्जन बोल दो, किसी से बहुत अच्छे मीठे शब्दों में बोल दो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। देवता कहने से भले सामने वाला देवता ना हो, पर हम अपने अंदर के देवत्व को तो जगा सकते हैं। हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए,
नकारात्मक सोच से बचें, हम अपने अंदर के घमंड को दूर करें, अपने अहंकार को दूर करें, तो निश्चित हमारे अंदर की ईर्ष्या भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। भले ही हमारे अंदर वो गुण ना हो, लेकिन सामने वालों से यदि हम गुणों के रूप में बोलेंगे, तुम तो बहुत अच्छे भगवान से लगते हो, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अंदर तो सारी अच्छाइयां भरी हैं, सामने वाला शर्मिंदा होगा। क्यों? कि मेरे पास वो गुण नहीं है, फिर भी सामने वाला कितने सम्मान के साथ हमसे बोल रहा है, हमसे कह रहा है, तो हमें भी सुधार अपने जीवन में करना चाहिए। ईर्ष्या के लक्षण क्या है? चार लक्षण ईर्ष्या से। पहला है किसी की प्रशंसा ना सुन पाना। हम लोगों के साथ होता है, जो ईर्ष्यालु होते हैं, यदि सामने वाला कोई हमारे सामने किसी की प्रशंसा कर रहा हो, यदि मन में तुम्हारे अंदर प्रशंसा के भाव उमड़ रहे हो, हमारे अंदर प्रशंसा आ रही हो, खुशी आ रही हो, समझ लेना कि हमारे अंदर उसके प्रति अच्छे संबंध होंगे। और दूसरों की प्रशंसा को सुनकर के हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव भर रहा होगा, समझ लो उससे हमारे जीवन में खट्टापन है, खटास है। ईर्ष्या के कारण हम दूसरों की प्रशंसा नहीं सुन पाते हैं, दूसरों की अच्छाई नहीं देख पाते हैं, दूसरों की भलाई होती हुई नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे अंदर वो ईर्ष्या का दुर्गुण है, जो दुर्बलता हमारे जीवन में जो भरी हुई है, उसको हम उस कारण से उस प्रशंसा को सहन नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी विडंबनता वे है, हम गैरों की प्रशंसा तो फिर भी सुन लेते हैं, दूसरे गांव वालों की प्रशंसा सुन लेंगे, पर खासकर होता ऐसा है कि अपने जो सगे संबंधी होते हैं उनकी प्रशंसा सुनने में हम लोग बहुत पीछे हैं। अपने परिवार की प्रशंसा सुनने में हम ईर्ष्या करते हैं कि मेरा भाई है क्यों आगे बढ़ रहा है, क्यों हमसे ज्यादा व्यापार करने लगा है, क्यों हमसे आगे बढ़ रहा है। इस ईर्ष्या को खत्म करना है, इस ममत्व भाव को खत्म करना है, इस राग भाव को खत्म करना है। आखिर इसको कराता कौन है? हमारे अंदर का दुर्भाव, हमारे अंदर का ईगो, हमारे अंदर का अहंकार। हम दूसरों की प्रशंसा सहन नहीं कर पाते हैं, दूसरों की प्रशंसा सुन नहीं पाते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा दोष है। इस दोष से हम सबको बचना चाहिए। ये ईर्ष्या विद्वानों तक में पाई जाती है, पंडितों में पाई जाती है, और इतना ही नहीं, त्यागी वृत्तियों के जीवन में भी पाई जाती है। इन जगह तो पाई जाती है, लेकिन घर में भी, आपस में भी ईर्ष्या पाई जाती है। कैसे पाई जाती? एक पंडित के सामने दूसरे पंडित की यदि प्रशंसा करो तो वो सहन कर ले, तो समझ लो पंडित नहीं है वो। क्योंकि एक पंडित दूसरे पंडित की प्रशंसा सुन नहीं पाता है, एक समाज सेवी दूसरे समाज की प्रशंसा, दूसरे समाज सेवी की प्रशंसा नहीं सुन पाता है, देवरानी जेठानी की प्रशंसा नहीं सुन पाती है, और जेठानी देवरानी की प्रशंसा नहीं सुन पाती है, करोड़पति एक दूसरे करोड़पति की प्रशंसा नहीं सुन पाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हमारे अंदर पलने वाला अवगुण है, इसका कारण हमारे पलने वाली ईर्ष्या है। इस ईर्ष्या को जन्म कौन देता है? इस ईर्ष्या को जन्म हमारा अहंकार देता है। इससे हमें बचना चाहिए। मन में यदि किसी के प्रति ईर्ष्या हो तो कभी नहीं रखना, और कोई तुम्हें ईर्ष्या के पूर्वक देखे तो उस पर तुम्हें ध्यान नहीं देना, तो समझ लेना कि हम अपने आप में बहुत अच्छे स्टेबल हैं। ये तुम्हारे अंदर गुण, यदि गुणानुवाद का यदि तुम्हारे अंदर गुण आ जाता है तो हम ईर्ष्या से बच सकते हैं। दूसरा लक्षण है किसी की प्रगति को नहीं देख पाना। दूसरों कैसे आगे बढ़ रहा है, कितनी मेहनत के साथ एक एक कदम चल रख करके वो आगे बढ़ रहा है, और उसका पुण्य जागा, आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि कल तक तो ये साइकिल पर घूमने वाला व्यक्ति था, आज मोटरसाइकिल पर कैसे जा रहा है। और इतना ही नहीं, बच्चे थोड़े पढ़ लिख करके अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए, एक साधारण व्यक्ति का बेटा या बेटी कोई बड़े आईएएस अधिकारी बन जाते हैं तो लोगों को देख करके बड़ी कुड़न होती है, जलन होती है, कितना साधारण व्यक्ति था, आज देखो बंगले में घूम रहा है, बड़ी बड़ी कार में घूम रहा है। तो आपको किसने मना किया कि आप अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाओ?
देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव रखें। इस तरह का मनोभाव हमारे अंदर जागना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्थ थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।